उम्र में छोटे और जिगरा बड़ों जैसा, रेडिंग में कमाल, डिफेंस में बेमिसाल, सिर्फ नाम के जूनियर है ये, डेयरिंग में हमसे भी आगे हैं। जो डर गया वो गर गया। दादा हैं यहाँ के, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आज मैच पे, कल दुनिया पे राज करेंगे। मेरा इंतजार तो पूरे 11 स्कूल की टीम कर रही है, पर मैं रेडर हूँ, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। छोटा समझा तो धोखा खा जाओगे, इनका एक्शन आपको सीट से उठा देगा। कुर्सी की पेटी बांध लो, आ रहे हैं केवीटी जूनियर। केवीटी जूनियर, छोटी हाइट बड़ी फाइट। केवीटी जूनियर, छोटी हाइट बड़ी फाइट। जहां सपनों को उड़ान मिलती है और हुनर को पहचान मिलती है, ये है देश के खेल का सबसे बड़ा मंच। और चाहे सीनियर्स हो या जूनियर्स, सब जीत रहे हैं देश का दिल। आज है नेशनल फाइनल क्वालिफायर्स का 7th राउंड और हमें अब तक अपनी 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। आज 8 स्कूल्स आ चुके हैं लेने पंगा नेशनल फाइनल्स का टिकट पाने के लिए। सो वेलकम टू केबीटी जूनियर्स और शुरू करते हैं छोटी हाइट बड़ी फाइट। केबीटी जूनियर्स का नेशनल फाइनल क्वालिफायर और ये है 7वां राउंड। अब तक 6 विजेता हमें मिल चुके हैं जो फाइनल्स में खेलेंगे, लेकिन इस 7वें राउंड में ये 8 स्कूल जिनके बीच में होगी भिड़ंत। 4 क्वार्टर फाइनल, उसके बाद जो विजेता हैं वो पहुंचेंगे 2 सेमीफाइनल्स खेलने के लिए, आखिर में फाइनल। और जो भी जीतेगा उस फाइनल में वो बनेगा राउंड 7 का विनर और पहुंचेगा नेशनल फाइनल क्वालिफायर्स में। नेशनल फाइनल क्वालिफायर्स राउंड 7 का पहला क्वार्टर फाइनल जोसेफ मैरी पब्लिक स्कूल वर्सेस आरवचन भारती भवन आ रहा है लाइव एक्शन के साथ। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स कमेंस राउंड 7 ऑफ द नेशनल फाइनल क्वालिफायर्स एंड लेट्स वेलकम द स्कूल्स। गिव इट अप फॉर जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल दिल्ली। से पहले देखते हैं स्टार्टिंग 7। गौरव रावत कप्तानी करेंगे, लेकिन उनका साथ देंगे अंश, अमन, जिशान, आरव, आरव और रोहन नायक। दिल्ली के जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल में कबड्डी को एक खास दर्जा हासिल है। यहाँ पर कबड्डी के नए और अनुभवी दोनों खिलाड़ी हैं। लेकिन कमाल की बात है कि कबड्डी सीख रहे बच्चों का जोश अब दिग्गजों को भी टक्कर दे रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइन कभी क्रॉस मत करना, वरना वापस नहीं जा पाओगे। ये सब मुमकिन हो पाया है स्कूल के शानदार कोच और ट्रेनर्स की बदौलत। दादा हैं यहाँ के, स्वागत नहीं करोगे हमारा? जो हर खिलाड़ी के हुनर को निखारने में जी जान लगा रहे हैं। अब स्कूल अपनी पहली अंडर 12 कबड्डी टीम के साथ तैयार है केबीडी जूनियर्स के मैच पर तहलका मचाने के लिए। Let's hear it for Arvachin Bharti Bhavan, Delhi. एक बार फिर से संभालेंगे रुद्राक्ष, साथ में है शाद, अर्णव भी आपको नजर आएंगे। अभी वंश, परम और प्रथम क्या दिला पाएंगे अपनी टीम को जीत? छोटी हाइट बड़ी फाइट, ईट स्लीप कबड्डी रिपीट। दिल्ली की अर्वाचीन भारती भवन के बच्चों के लिए स्कूल उनके दूसरे घर जैसा है। खेल के बड़े बड़े मैदान और नेट कोर्ट जैसी बेहतरीन सुविधाओं ने यहाँ के छात्रों को अपनी स्किल्स को तराशने और दमदार एथलीट बनने का मौका दिया है। मेरा इंतजार तो पूरे 11 स्कूल की टीम कर रही है, पर मैं रेडर हूँ, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खेल के कई मैदानों में अपनी जीत का झंडा गाड़ चुके इन बच्चों को कबड्डी में अपनी ताकत और टैलेंट का अंदाजा केबीडी जूनियर्स के मैट पर ही हुआ। अब नई उम्मीद और बुलंद हौसलों के साथ ये बच्चे बेताब हैं केबीडी जूनियर्स का खिताब अपने नाम करने के लिए। कबड्डी के खेलने धूम मचाई है जब से हमारी टीम टीवी पे आई। चलिए जनाब, रेफरी साहब ने अपनी सीटी बजा दी है और यहाँ शुरू होती है क्वार्टर फाइनल नंबर 1 की। अर्वाचीन भारती भवन, अभी चौधरी आए हैं पहली रेंज लगाने के लिए। आपको जरा नियम जो है वो समझा दें। यहाँ पर एक हाफ जो है वो 5 मिनट का होता है, लेकिन पहली ही रेड जो है असफल रही है अर्वाचीन और अवि के लिए। ये पहला पॉइंट जोसेफ मैरी पब्लिक स्कूल के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स की आज याद आने वाली है, पहला पॉइंट आ चुका है। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर से डाइव आई, बट जोसेफ एंड मैरी स्कूल शुरुआत में लीड प्राप्त करती हुई। जोसेफ मैरी स्कूल, यहाँ पर भी रेडर बिना किसी संपर्क के लोगों में चले गए।
ये सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी जरूर बनी थी, लेकिन जिस तरह से जोसेफ एंड मैरी ने अपना दबदबा बनाया है इस मैच के पहले कुछ मिनटों में, ऑल आउट यहाँ बेटर टीम और यहाँ पे ऑल आउट हो चुकी है वाचिन। एक बार फिर से ऑल आउट की दहलीज पर रेडर जो है वो शायद बाउंस गए और इसी के साथ एक और ऑल आउट। 18 पॉइंट्स की लीड, अभी तक खाता नहीं खोला अर्वाचिन ने, जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल है लीड में। चलिए पहला हाफ, पहला क्वार्टर फाइनल नेशनल राउंड क्वालिफायर, सेवेंथ टाइम हम ये विटनेस कर रहे हैं और जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल बहुत आगे है, लगातार पॉइंट्स का सिलसिला जारी है। 4 पॉइंट आरव हम चौधरी को ऑलरेडी मिल चुके हैं, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है और पॉइंट्स की गणना और बढ़ाते रहिए, ये चीज अब रुकने से नहीं रुकेगी। नंबर 2 आउट। अर्वाचिन जो है वो दिल्ली से है और ये एक और पॉइंट जोसेफ एंड मैरी निकालेंगे। रेडर आउट, 1 पॉइंट जोसेफ मैरी स्कूल। और ये देखिए, ये शायद पहला पॉइंट और वो आया है सुपर टैकल की बदौलत। अपनी टांगे अंदर रखो क्योंकि उनकी टांग जो, अरे नहीं, इतनी स्ट्रगल, इतनी फाइट, सारी मेहनत जोसेफ मैरी स्कूल, लेकिन अंत में वही नतीजा जो अब तक हम देखते हुए आए हैं। ये तीसरा ऑल आउट इस मैच का और मुझे इस रेट ने अजीत चौहान की याद दिला दी, यू मुंबा के कैसे प्लेयर, सेम ऐसी रेट थी, उन्होंने बहुत देर तक स्ट्रगल रखा, एक अच्छी सुपर टैकल की कोशिश थी, बट अब संघर्ष देखिए, लगातार कोशिश पे कोशिश। ये पहला क्वार्टर फाइनल जरूर अपनी समाप्ति की तरफ है, हम आपको बड़ी जल्दी से एक बार फिर से नियम जो है वो बता दें, क्योंकि ओ इसी के बीच में नियमों को तोड़ते हुए, ब्रैकेट्स को तोड़ते हुए अर्वाचिन भक्ति भवन के लिए कुछ ना कुछ फाइनली अच्छा हुआ है। कितने पॉइंट्स यहां पर आए हैं, पॉसिबल ये एक बड़ी सुपर रेट साबित हो सकती है। सुरेन मुझे लगता है कि आपकी बात को सुन लिया इस टीम ने और आरएमएम चौधरी ने इस मैच की नींव रखी थी इनके टीम के पक्ष में, 6 रेड पॉइंट आज लिए हैं, सिर्फ 5 ही रेड में, 3 पॉइंट अमन को भी मिले हैं, बट इस बार और डिफेंडर्स मिलते हुए एक साथ आए, कॉम्बिनेशन जिसे ढूंढ रहा था अर्वाचिन भक्ति भवन वो फाइनली उन्हें मिलता हुआ। अरे ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं, अर्वाचिन भारती जितने पॉइंट्स आए हैं इस मैच में वो सारे इस दूसरे हाफ में आए हैं, जो राइट वाली टांग है उन्होंने मैट पे ही रखी वरना आउट हो जाते हैं, और ये घड़ी तो खत्म हो चुकी है, टाइम अप हो चुका है, लेकिन 32-7 आप 33-7 कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे रेफरी भी अब विसल बजाएंगे। पहला क्वार्टरफाइनल समाप्त हुआ है और जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल ने जीत लिया ये मुकाबला, पहले सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब इंतजार होगा कि जीआर ग्लोबल एकेडमी और ग्लोबल नैव जीवन स्कूल के बीच में कौन उनके साथ भिड़ेगा सेमीफाइनल्स में। यहां पर क्वार्टर फाइनल नंबर 2 की पूरी तैयारी जीआर ग्लोबल एकेडमी और ग्लोबल नवजीवन स्कूल के बीच में, एक नोएडा से एक गाजियाबाद से। लेट्स वेलकम आवर टीम्स, गिव इट अप फॉर जीआर ग्लोबल एकेडमी फ्रॉम नोएडा। मयंक, यतेश, आर्यन बंसल, शिवम, चिराग, आयुष राणा और सात्विक नागर। नोएडा के जीआर ग्लोबल एकेडमी की कबड्डी टीम को चैंपियन बनाने का जिम्मा उठाया है एक क्रिकेट कोच ने। इतिहास गवाह है, ये तो हमारी टीम की हवा है। कोच साहब ने प्रो कबड्डी के कई लीग मैच और यूट्यूब वीडियोस को देखकर इस खेल की बारीकियों को जाना, साथ ही इस खेल के अनुभवी खिलाड़ियों और उनके गुरुजनों से कई सीक्रेट टिप्स भी लिए। कबड्डी प्लेयर है हम, डेट पे नहीं मैट पे जाते हैं। कोच साहब की कड़ी मेहनत और इनोवेटिव टेक्निक्स ने खिलाड़ियों की स्किल्स और स्ट्रेटेजी को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। अब ये नन ही ब्रिगेड केबीडी जूनियर्स के मैट पर अपने कोच साहब की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जुनून की हर मिड लाइन क्रॉस करने को तैयार है। With a roaring round of applause, please now welcome Global Navjeevan School from Ghaziabad. स्टार्टिंग 7, आइए देखते हैं उस पर निगाहें डालते हैं। अंशु सिंह वहां पर कप्तान होंगे, यश, प्रत्यश, कृष्ण, देव, श्लोक और लकी मिलके टीम को लकी जीत की तरफ लेकर जाएंगे। कबड्डी को सिर्फ शौकियाना तौर पर खेलने से लेकर इसे जुनून और जिद में बदलने तक गाजियाबाद के ग्लोबल नवजीवन स्कूल ने गजब का सफर तय किया है। छोटी हाइट, बड़ी फाइट।
कड़ी मेहनत और लगन के साथ ट्रेनिंग करते हुए इन्होंने अपनी स्किल्स को ही नहीं निखारा बल्कि अपनी मेहनत को एक नया मकसद भी दिया। तुम हमसे खेलोगे यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, हम ग्लोबल नवजीवन के बच्चे हैं तो ये न भूल। कोच का मानना है कि टीम में हर रेडर और डिफेंडर मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखता है। मैं वो हस्ती हूँ जिसकी हॉबी कबड्डी है। ये नन्हे सितारे टूर्नामेंट जीतने के साथ साथ कबड्डी में नए आयाम भी छूना चाहते हैं और केबीडी जूनियर्स का मंच इनके सपनों को साकार करने का एक सुनहरा मौका है। ये टॉस जीता जिया ग्लोबल एकेडमी ने और पहली रेड उन्हीं की होगी। 5 मिनट का ये हाफ। शिवम भाटी आए हैं रेड लगाने के लिए और पहली रेड में सक्षम होंगे। पहला पॉइंट निकाला अपनी टीम जिया ग्लोबल एकेडमी के लिए और ये मल्टी पॉइंट रेड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सुपर रेड, जी हाँ शायद सुपर रेड होगी। अब बस इंतजार करना होगा कि रेफरी कितने डिफेंडर्स को बाहर भेजते हैं। ये खुशी देखिए, ये उल्लास देखिए, बहुत ही कमाल की शानदार रेड, सुपर रेड। स्टाउंडिंग प्रदर्शन है ये। जैसे ही नंबर 4 जर्सी अटैक करने गए, मोमेंटम देखिए कैसे बिल्ड किया और उसके बाद एक बार हाथ बाहर नहीं जा रहा था, प्रेशर लगा और उसके बाद सेलिब्रेशन देखिए। और इसीलिए इनके फेवरेट प्लेयर पवन शरावत हैं, बट जीआर ग्लोबल एकेडमी को रिवाइवल चाहिए था वो ले आए। चाहे आप पीकेएल सीनियर्स की बात करें या केबीडी जूनियर्स की, लेकिन अब सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, रेडर आउट और रेडर आउट। यहाँ जो आखिरी रेड थी पहले हाफ की वो मान्य नहीं है, जिसके वजह से ग्लोबल नवजीवन स्कूल गाजियाबाद अपनी 2 पॉइंट की लीड बनाए रखेंगे। लेकिन हमने जीआर ग्लोबल एकेडमी से भी कुछ बहुत ही ब्रिलियंट मोमेंट्स देखे हैं। देखना ये होगा कि क्या ये कमबैक कर पाते हैं। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने है। 2 पॉइंट मिलेंगे अगर आप यहाँ पे सफल रहेंगे इस टैकल में। अंशु वहाँ पर रेड पर हैं, डिफेंस पर आपको शिवम भाटी दिखाई देते हैं जो रेड अच्छी लगा रहे हैं आज टीम के लिए। अंशु सिंह अंदर जाएंगे, हैंड टच क्लेम करना चाहते थे, बहुत कम सेकंड शेड बचे हैं और यहाँ रेडर आउट दिए जाएंगे। इसका अर्थ है कि फाइनली स्कोर जो है वो बराबर हो गया है। ऑड्स ऑन फेवरेट रहेंगे ये रेडर आर्यन बंसल। अब तक 2 रेड लगाए हैं इन्होंने, दोनों में कामयाब नहीं हुए थे। तीसरा रेड सुपर टैकल 2 पॉइंट जो असफल रहेगा और सुपर टैकल फिर 2 पॉइंट। पूरी तरह से हर जो उनका खेमा है वो बहुत प्रभावित है। पॉइंट लिया है बिल्कुल टच किया है, तुम्ही को टच किया है, शायद कुछ ऐसे ही कह रहे होंगे। ये बिल्कुल वरुण धवन का डांस मूव था। वरुण धवन ने कितनी बार फिल्मों में ऐसा डांस किया। चेस्ट नंबर 7 आउट और जिया ग्लोबल एकेडमी आर्यन बंसल पहला पॉइंट और क्या कीमती पॉइंट निकाला है आर्यन बंसल ने। 1 पॉइंट जिया एकेडमी। और अब देखिए आधे मिनट से कम समय बचा है और ये एक और टैकल जीआर ग्लोबल एकेडमी। लेकिन ये शायद सबसे कीमती टैकल साबित हो सकता है एकेडमी ग्लोबल। हर्षित आपने जीआर ग्लोबल एकेडमी नोएडा पर प्रिडिक्शन लगाई थी लेकिन ग्लोबल नवजीवन स्कूल, देखिए मैं बिल्कुल यहां समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि रेफरी का डिसीजन जो है अब सब उस पर निर्भर है। अगर रेड सक्सेसफुल होती है तो जीआर ग्लोबल एकेडमी जीतेगी। दिलों की धड़कन थाम कर रखिएगा, निर्णय आने वाला है। रीप्ले फिर से देखते हैं। श्लोक ने पहले अटैक करने गए और लगातार स्ट्रगल जारी था, टर्न होने का मौका दिया नहीं। क्या विसल पहले बज चुकी थी? ये डिसीजन जो होगा बताएगा कि क्या ये मैच किसके झोली में गया। सुपर टैकल के लिए उसके चलते ग्लोबल नवजीवन ने इस थ्रिलर को जीत लिया है। एट द वेरी एंड डाइंग मोमेंट्स में मुकाबला जीता ग्लोबल नवजीवन स्कूल ने 1 पॉइंट से। कश्मकश थी, जद्दोजहद थी, क्वार्टर फाइनल नंबर 2 जीत लिया ग्लोबल नवजीवन स्कूल ने। ये जो दूसरा क्वार्टर फाइनल था जीआर ग्लोबल एकेडमी और ग्लोबल नवजीवन स्कूल, इनके बीच विजेता बने ग्लोबल नवजीवन और क्या सेमीफाइनल होगा वो। हम बढ़ रहे हैं नोएडा एजुकेशनल एकेडमी की भिड़ंत होगी आर्यदीप पब्लिक स्कूल से इस तीसरे क्वार्टर फाइनल में।
And now for the third clash of the day, let's welcome our teams. First up, give it up for Noida Educational Academy from Noida. इनकी टीम स्टार्टिंग क्या है, यश आपको नजर आते हैं, टीवी कप्तानी कौशल के खाते में है और ये पूरी टीम आदेश के साथ क्या जीत पाएंगे? नोएडा एजुकेशनल स्कूल, जिनका हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा है और वो है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। टीम्स आर मेनी बट द विनर इज वन। यहाँ पर बच्चों की कबड्डी स्किल्स को निखारने या उनके टैलेंट को पहचानने के लिए अक्सर ही इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग देकर केबीडी जूनियर्स के लिए भी तैयार किया जाता है। मैं रेड पे गया तो पॉइंट जरूर लूंगा। भविष्य के सितारे तैयार कर रहे कोच और स्कूल को इन जूनियर्स की स्किल्स पर पूरा विश्वास है और उनका मानना है कि केबीडी जूनियर्स के मंच पर इन्हें रोक पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन्हें जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। And now let's hear it for their challengers. Aryadeep Public School from Ghaziabad. Yeah, starting seven, Aryadeep Public School ki kaptani karenge Arjun, lekin saath milega Vansh, Tarun, Lavish, Harit, Ashu aur Badvart ka. Hope ke liye mara naam hi kaafi hai. Ghaziabad ke ek chote se gaon mein sthit Aryadeep Public School ke liye kabaddi sirf ek khel nahi hai balki unki pehchan aur parampara bhi hai. Jo dar gaya wo ghar gaya. Peedhi dar peedhi chala aa raha ye khel ab in bachchon ki zindagi ka hissa sa ban gaya hai. अपने बड़ों को खेलता देख इन बच्चों के लिए भी कबड्डी सपने को साकार करने जैसा है। अब ये बच्चे अपनी मेहनत और हुनर के दम पर तैयार हैं अपने गांव की इस परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और केबीडी जूनियर्स जैसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। नोएडा एजुकेशन सोसाइटी और आर्यदीप पब्लिक स्कूल के बीच में ये तीसरा क्वार्टर फाइनल और पहली रेड लगाएंगे आर्यदीप के रेडर, जिन्होंने पहला पॉइंट ही निकाल लिया है। ये अर्जुन है और महाभारत के अर्जुन की तरह इनका निशाना जो है वो कितना सटीक है ये देखने को मिलेगा। टू पॉइंट्स आर्यदीप पब्लिक स्कूल। क्या बात है, मल्टी पॉइंट रेड के साथ शुरुआत की है अर्जुन ने। सुपर टैकल फिर से और ये देखिए स्कॉर्पियन किक लगाई और दक्ष ने सबसे स्टाइलिश पॉइंट निकाला है इस मैच का अब तक। ये सबसे मुश्किल होता है। डायनामाइट प्लेयर्स को कहां आसान चीजें पसंद है और यहां राइट कॉर्नर से वो टाई भाई बहुत ही स्वाभाविक डाइव ऑन देखते हैं किसी भी राइट कॉर्नर की तरफ से और ये बिल्कुल वैसी ही थी। ऑल आउट की दरकार थी और ऑल आउट मिलेगा भी नोएडा एजुकेशनल अकेडमी। पहला हाफ खत्म हुआ नहीं है और यहाँ पे डबल डिजिट्स पे पहुंच जाएंगे क्योंकि अब स्कोर जो है ऑल आउट वो चला जाएगा 12 पे। नोएडा एकेडमी ऑल आउट के आपको दो पॉइंट्स मिलते हैं, साथ में एक पॉइंट जो रेडर को मिलेगा। ऑल इन एंड ऑल आउट का मतलब जैसा हमने सुना ऑल इन। अगर कमबैक करना है आर्यदीप पब्लिक स्कूल को तो बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ लाने होंगे। क्वार्टर फाइनल नंबर 3 हाफ टाइम हो चुका है। अर्षित यहाँ पे मुझे शाहरुख खान का वो चकदे वाला डायलॉग याद आ गया जो अब आर्यदीप पब्लिक स्कूल को बोलना चाहिए। 5 मिनट है तुम्हारे पास, 8 पॉइंट की लीड और 5 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम सेमीफाइनल में पहुँचना चाहते हो तो ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती 5 मिनट होंगे। नोएडा एजुकेशनल अकेडमी लेकिन शायद फिल्में नहीं देखती है, वो सिर्फ खेलना चाहती है। देखिए टीम दोनों स्क्रीन बराबरी की है बट एक फर्क आपको अग्रेशन का एक इंटेंट का नजर आ रहा है। आर्यदीप पब्लिक स्कूल को गलतियां कम करनी होगी और पॉइंट ज्यादा लाने पड़ेंगे बट नोएडा एजुकेशनल अकेडमी का डिफेंस अब सर चढ़कर बोल रहा है, सातवें आसमान पर टीम को ले जा रहा है। देखिए सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी जरूर है और एक डिफेंडर जो है उनका नियंत्रण खोआ और चाहिए ऑल आउट होगा। ऑल आउट जी हाँ, रेफरी की आवाज आपके कानों तक पहुंच चुकी है। ऑल आउट का फैसला ऑल इन। चलिए आखिरी 10 सेकंड्स और विद्वर्त
दक्ष नाम के ऑलराउंडर नजर आते हैं, 5 रेड पॉइंट 4 टैकल पॉइंट उनके नाम है और पॉइंट्स और उनके नाम ऐड करते रहिएगा। दक्ष अपनी टीम की मान है, सम्मान है और बन रहे टीम की जान है। ऑल आउट दे दिया एक और बार नोएडा एजुकेशनल एकेडमी ने। 33-5 से जीत मिलेगी नोएडा एजुकेशनल एकेडमी को, वो अपनी जगह बनाएंगे उस दूसरे सेमीफाइनल में। पिछला क्वार्टर फाइनल जीत के नोएडा एजुकेशनल एकेडमी ने सेमीफाइनल नंबर 2 में जगह बना ली है। अब कौन होंगे चौथे क्वार्टर फाइनल के विजेता आपको बड़ी जल्दी पता लगेगा, पर 2 सेमीफाइनल्स के बाद हमें मिलेंगे हमारी 2 फाइनलिस्ट टीम, उसका भी हमें इंतजार है। चौथा क्वार्टर फाइनल ब्लूम वर्ल्ड स्कूल बनाम एसडी पब्लिक स्कूल, देखते हैं कि कौन सी टीम की फौज करेगी मौज। And to book a place in the semi-finals, the 2 teams are here. Let's hear it for Bloom World School from Ghaziabad. कौन अपनी टिकट काटेगी ये पता लगेगा। अभी ना कप्तानी करेंगे यश कुमार, नैतिक, अंश शर्मा, मुकुल, हनी नागर और अंश। गाजियाबाद के ब्लूम वर्ल्ड स्कूल की ये कहानी कुछ खास है। स्कूल के ओनर जो खुद एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी रह चुके हैं, यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं और कबड्डी टीम के कोच भी। तब से मुझे मालूम हुआ है केबीडी जूनियर स्टार्ट हो गया है और अब मैं फुल मेहनत के साथ बच्चों को तैयार कर रहा हूँ कबड्डी से। केबीडी जूनियर्स की वजह से उन्हें अपने पुराने दौर को वापस जीने और बच्चों के जरिए अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है। मिट्टी में ट्रेनिंग करते आए ये बच्चे अब मैट पर कदम रखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। कोच भी इन जूनियर योद्धाओं की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब जब केबीडी जूनियर्स के मैदान पर उनकी टीम का हर अर्जुन स्किल्स के तीर लेकर उतरेगा, तो उसे दिशा देने के लिए उनके साथ होंगे उनके गुरु द्रोणाचार्य। Welcome their opponents with a huge round of applause. ST Public School from Noida. इनकी स्टार्टिंग 7 है, बड़ी जल्दी से उस पे निगाहें डालते हैं। कप्तान है श्लोक चौधरी, मोक्षन के साथ है अनमोल, मीत, दक्ष, दादा और अंकित की ये पूरी टीम। जीत उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। डर गया समझो वो अपने घर गया। कामयाबी के इसी मंत्र को अपनाकर काफी कम समय पर बनाई गई कबड्डी टीम ने नेशनल फाइनल क्वालिफायर्स का टिकट हासिल कर लिया। जब तक तुम मुझे पकड़ने की सोचोगे मैं पॉइंट लेके भाग जाऊंगा। इस टीम के कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान पर ले जाने का श्रेय जाता है उनके कोच साहब को, जिसकी वजह से कबड्डी के इस खेल में नन्हे सितारों की चमक देखने को मिली है और इसी चमक को केबीडी जूनियर्स के मैट पर चिंगारी बनाकर अपने स्कूल का नाम रोशन करने को तैयार हैं ये नन्हे फाइटर्स। एसडी पब्लिक स्कूल ने टॉस जीता और पहली रेड उनकी होगी और पहली रेड नाकामयाब होगी क्योंकि यहाँ पे ब्लूम वर्ल्ड स्कूल का खूबसूरत नाम है स्कूल का जो गाजियाबाद से है और उनकी ये खूबसूरत पिंक जर्सी। स्किल सेट को हाई कर कर आते हैं, इन्हें पता है कि चेन क्या होती है, कैसे आती है, पर क्या ब्लूम अब और भी ज्यादा ब्लॉसम परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिनव ने और देखिए तीन ये लड़के भागते हुए बेंच पर, नजरें नीची हैं क्योंकि पहली ही जो आपने टैकल लगाई है वहाँ आपने 3 पॉइंट गिफ्ट कर दिए हैं। चौथा क्वार्टर फाइनल है सुरेन और हर मैच में हमने एक डोमिनेटिंग स्टार्ट देखा है, टर्न टंबल बट विफल। अभिनव का भी गुलाबी सुपर 10 हमें देखने को मिला है। SD पब्लिक स्कूल रेडर सेफ होंगे, पहुंच गए थे मिड लाइन के उस पार। नंबर 3 आउट। बॉडी खाने का मजा आता है ना, उतना ही मजा आज इन ब्लू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल को इतना बेहतर करते हुए आ रहा है और पूरी तरह से डोमिनेंट पोजीशन में ब्लू वर्ल्ड स्कूल। दोनों टीमों के बीच में 14 पॉइंट्स का अंतर है जो अब 17 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1+2 3 पॉइंट थोड़ी सी होल्ड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था एसडी पब्लिक स्कूल के लिए, तो दो तीन उन्हें
सुपर एट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यार रेडर्स के पास जवाब ही नहीं है। इस मैच में सबसे बड़ा अंतर अभिनव ही रहे, 21+4 25 पॉइंट अगर आप हटा दें तो उसके बाद ऑल आउट पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे ब्लूम वर्ल्ड स्कूल के लिए। और पॉइंट्स की गणना तो करते रहिए, 21 पॉइंट से बात नहीं मान रहे हैं। सोच रहा हूँ कि जिस स्किल्स का हमें प्रमाण मिला है इनको भी अब सीनियर्स में चले जाना चाहिए। 45 पॉइंट्स निकालते हुए देखा है और यहाँ ये दर्द जो है वो एसडी पब्लिक स्कूल का खत्म होता है, क्योंकि विसल बज चुकी है फुल टाइम की भी और 10 मिनट के खेल के बाद स्कोर देखिए पूरी कहानी बयां करती है कि किस टीम का दबदबा था इस मैच पे। 4 क्वार्टर फाइनल खत्म हो चुके हैं, हमें 4 हमें सेमीफाइनल्स भी मिल चुके हैं जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल की भिड़ंतों की ग्लोबल नवजीवन स्कूल के साथ और नॉइड एजुकेशनल अकेडमी की भिड़ंत ब्लूम वर्ल्ड स्कूल से। पहला सेमीफाइनल जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल और सामने ग्लोबल नवजीवन स्कूल। And now it's time for the semi-finals of round 7. Let's give it up for Joseph and Mary Public School from Delhi. Gaurav Rawat ki kaptani mein 2 RM milenge aapko, saath mein Ansh, Aman, Jishant aur Rohan Nayak. Ye hai starting 7, Joseph and Mary ka. Make some noise for our next semi-finalist. Give it up for Global Navjeevan School, Ghaziabad. शुरुआती साथ पर एक निगाह डालते हैं, अंशु सिंह टीम की कप्तान है, यश प्रत्यंश कृष्ण देव श्लोक पांडे लाजवाब डिफेंडर हैं और युवराज इस मुकाबले को खेल रहे हैं, ये एक अच्छे संकेत हैं। और प्ले टू वॉच आउट फॉर की बात करें आरव एम चौधरी बहुत ही शानदार 6 रेड पॉइंट निकाले थे पहले मैच में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बैटल होने वाली है उनकी इनके साथ श्लोक पांडे, जिन्होंने एक हाई फाइव लगाया था उस पहले क्वार्टर फाइनल में, उसकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी वो जीतेगा। वो जो बैटल हमने बिल्ड की थी शायद वो बैटल हमें पहले ही रेड में देखने को मिल जाए, जी नहीं, लेकिन इस बार अंश कुमार आए थे 1 पॉइंट पहली रेड लगाने के लिए जोसेफ एंड मैरी नंबर 4 आउट पब्लिक स्कूल के लिए और पहली ही रेड में सफलता, पहला पॉइंट जोसेफ एंड मैरी के खाते में। तो ये जो गेम प्ले देखा सुरेंद्र भाई कितना कमाल था मेरा भी, आपने जो नंबर का खेल हमें दिखाया है नंबर का खेल जो इस मैच में भी देखने को मिल रहा है। मैं अपने दिल के दर्द की बात कर रहा था कि हमने जो 4 क्वार्टर फाइनल देखे उसमें 3 जो है वो वन साइडेड मुकाबले थे, जो इकलौता क्वार्टर फाइनल था वहां ग्लोबल नवजीवन ने आखिरी रेड में मैच जो है वो जीता था जीआर स्कूल के खिलाफ। तो देखिए ग्लोबल नवजीवन जानता है कि मैच के अंत तक उम्मीद नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 आउट, जी अंडर प्रेशर खेलना जानता है ये खेमा। यहाँ पे भी अटैक आया है जोसेफ एंड मैरी स्कूल, शुरुआती बनत प्राप्त करते भी रेडर भागते चले गए राइट कॉर्नर की तरफ और राइट कॉर्नर बिल्कुल तैयार खड़े थे। यहाँ सुपर टैकल, क्या रेडर को कोई टच मिला? देखिए रेफरीज तो काउंट कर रहे हैं तो शायद एक पॉइंट जरूर मिलेगा। जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल इस पहले हाफ में इन्होंने परफॉर्मेंस कमाल की दिखाई है और अब देखने को मिलेगी छोटी हाइट बड़ी फाइट। देखते हैं कि अब ग्लोबल नवजीवन पब्लिक स्कूल के एक रेडर वहां पर रेड पर गए हैं, बहुत समय ले चुके हैं, एक ही दिशा में फुटवा कर रहे थे और ये पसंद नहीं आया जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल को। जो हरी जर्सी वाले हैं ना वो पीकेएल सीनियर्स में जो हरी जर्सी पहनते हैं उनकी तरह परफॉर्म कर रहे हैं पटना पायरेट्स, लेकिन अब यहाँ पे पहला ऑल आउट इस मैच का 3.5 मिनट बाद ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट डबल डिजिट में पहुंचेगा स्कोर जोसेफ एंड मैरी का। 10 पॉइंट की बढ़त हो चुकी है, शुरुआत में 2 पॉइंट पहले ग्लोबल नवजीवन स्कूल को मिले थे, 2-1 का स्कोर था, उसके बाद से एक भी पॉइंट इस टीम को नहीं मिला है। पहला हाफ लगभग समाप्ति की तरफ है, फाइनली कुछ और पॉइंट मिलते हुए अंश कुमार इस बार गए थे रनिंग हैंड टच किया और यहां पे जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वो थी जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल की। 5 मिनट के पहले हाफ में जोसेफ एंड मैरी स्कूल बेहतर टीम रही है, 12 पॉइंट्स उनके खाते में हैं,
बट अब लकी पांडे एक और सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर आए हैं और इस हाफ में पहले दो पॉइंट ग्लोबल नवजीवन स्कूल ने अर्जित किए हैं। डिफेंस में एक पॉइंट रेड में बोनस जरूर ले गए वहां पर ये रेडर। यहाँ डिफेंडर अटैक करने गए, आपकी बात को ग्लोबल नवजीवन स्कूल ने माना है। पहले डिफेंस में पॉइंट लिया, इस बार मल्टी पॉइंट रेड लेकर आते हुए दो अंक आएंगे और स्कोर का अंतर सिर्फ 6 का। लेकिन मल्टी पॉइंट रेज और सुपर रेज में आप ज्यादा पॉइंट्स निकाल सकते हैं। डिफेंस अपना काम कर रहा है ग्लोबल नवजीवन के लिए और ग्लोबल नवजीवन स्कूल गाजियाबाद ये ऑल आउट अगर निकालती है जो निकालेगी। इसी के साथ 3 पॉइंट मिलेंगे, 1+2 3 पॉइंट और वो जो स्कोर डिफरेंस था अब वो सिर्फ 2 पॉइंट्स का रह जाएगा। क्या कमबैक किया है ग्लोबल नवजीवन ने। स्कोर बराबर है, 14-14 पॉइंट लाने होंगे जिशांत सिंह को। यहाँ स्कोर सिर्फ बराबर नहीं है, पहली बार इस मुकाबले में ग्लोबल नवजीवन स्कूल अब लीड पर है क्योंकि एक के बाद एक इन्होंने जो पॉइंट निकाला है पहले मैच में भी और काफी अरसे के बाद एक असफल रेड देखने को मिली है ग्लोबल नवजीवन की। देखिए 1 मिनट बचा है ऑन द क्लॉक और स्कोर्स अभी भी टाई चल रहे हैं। 1 मिनट से कम का समय शेष बचा है, रेड पर अमन है और अमन क्या यहां मैच अपनी टीम के लिए खाते में लाए हैं। डिफेंडर के लिए क्योंकि वहां पे उन्होंने ब्लॉक की कोशिश की थी लेकिन पूरी तरीके से ग्रिप नहीं कर पाए थे, थाई होल्ड लगाने की कोशिश थी। अच्छी स्किल सेट यूज किया है। ये मैच पूरी तरह से रोलर कोस्टर राइड सीसॉ बैटल चला है। पहले जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल आगे, फिर ग्लोबल नवजीवन पब्लिक स्कूल आगे, फिर से जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल ने क्या कमबैक किया और इस मैच में बहुत आगे निकल गए। अब दिवान की बात कर रहे हैं, अयान की बात कर रहे हैं, पटना पायरेट्स के दो कमाल के रेडर्स जिन्होंने पीकेएल के सीजन नंबर 11 में ऐसे कमाल के रेड्स हमें दिखाए हैं। रेडर को इंतजार करने के लिए कहा गया है, क्या ये सुपर रेड होगी? देखिए उंगलियां पहुंच गई, पहुंच गई और एक थ्री पॉइंट हो गई, क्रॉस है ना, बिल्कुल सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स का हिसाब लगाइए और ये सुपर रेड होगी। थ्री पॉइंट्स और आई थिंक यहाँ पे मैच जो है वो डिसाइड हो गया। 26 पे पहुंच चुके हैं, अब वक्त भी हो चुका है खत्म और इस रेट पे चाहे कुछ भी हो जाए 2 पॉइंट्स ग्लोबल नवजीवन स्कूल, मल्टी पॉइंट रेट जरूर होगी। नंबर 3 और 4 आउट, अंत भला तो सब भला, सेलिब्रेशन खुशियां मिठाइयां बंटवा दीजिए जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल अपने पूरे स्कूल में क्योंकि आप बन चुके नेशनल फाइनल क्वालिफायर राउंड नंबर 7 की पहली फाइनलिस्ट टीम। पहला जो फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है एंड वो रहेंगे जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल। अब इंतजार कि नोएडा एजुकेशनल अकेडमी और ब्लूम वर्ल्ड स्कूल, इन दोनों स्कूल में से कौन पहुंचेगा उस फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल नेशनल फाइनल क्वालिफायर्स राउंड 7 हम तैयार, नोएडा एजुकेशनल अकेडमी बनाम ब्लूम वर्ल्ड स्कूल, आप भी रहिए तैयार। Fasten your seat belts for the next semi-final of the day. Let's welcome Noida Educational Academy. Unki shuruaati 7 jo hai wo kaisi lag rahi hai, aaiye nazar dalte hain. Kushal Kumar unke kaptan, Yash Bhati, Aishman Daksh par nazar rakhiyega, Adesh Kumar, Harshit Bharadwaj aur Khushant. And with a huge round of applause, let's welcome back Bloom World School from Ghaziabad. इस टीम में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे आप दिव्यास्त्र भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सिर्फ उस खिलाड़ी का जिक्र कर दूं जिनका नाम है अभिनव, कप्तान है यश कुमार, नैतिक, अंश शर्मा, मुकुल, हनी नागर और अंश है शुरुआती 7 का हिस्सा। कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस दक्ष ने की होगी, इनके पास भी 4 टैकल पॉइंट थे, 7 रेड पॉइंट्स थे, ये भी एक स्टार ऑलराउंडर हैं। और एक ही प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकता है ब्लूम वर्ल्ड स्कूल से, 24+4 28 पॉइंट्स उस पहले क्वार्टर फाइनल में अभिनव के नाम। ले पंगा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, दूसरे सेमीफाइनल की करते हैं शुरुआत और पहली ही रेड पर आ चुके हैं अभिनव। सिर्फ अभिनव कहना इनके लिए थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, टो टच के साथ शुरुआत कर दी है। यार अगर आप नोएडा एजुकेशनल एकेडमी के खिलाड़ी हैं तो आपके लिए बहुत ही सिंपल टास्क है,
आप अभिनव को रोक लें और जीत के चांसेस जो हैं खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। पाँच मिनट का ये पहला हाफ, दो हाफ्स पाँच पाँच मिनट के, बोनस लाइन आपको एक्टिव मिलेगी जब साथ के साथ छह डिफेंडर्स मौजूद हैं मैट पर। हर रेट जो है वो डू अ डाई रेट, लेकिन यहाँ बोनस प्लस वन, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपने बोनस भी निकाला, साथ में एक टच पॉइंट भी आपको मिला। पॉइंट्स का सिलसिला दक्ष आगे बढ़ा रहे हैं, कुशांत भी पॉइंट्स ला रहे हैं। इस बार क्या हुआ, डिफेंस एक बार फिर एक साथ काम करते हुए, और ब्लूम वर्ल्ड स्कूल के लिए शुरुआत देखी नहीं जा रही। भैया मूल मंत्र की बात कर रहे थे, तो यहाँ एक और मूल मंत्र जो है इसमें जुड़ जाता है कि अगर अभिनव की गैर मौजूदगी में ये ऑल आउट निकालने में भी कामयाब होते हैं, तो वहाँ पे जो मोमेंटम बनता है और स्कोरबोर्ड प्रेशर जो बनता है उसके वजह से चाहे कुछ भी हो मैच में, आप ड्राइवर सीट पर रहेंगे। नॉन एजुकेशनल एकेडमी, ये पंजा खोला रेफरी ने और इसी के साथ ऑल आउट, और 10 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है नोएडा एजुकेशनल एकेडमी। क्या शानदार शुरुआत की है इस दूसरे सेमीफाइनल में। हर्षित आपकी तो बात मान ही नहीं रहे हैं, और आपकी बात ही माने जा रहे हैं, कोई चिप विप लगाया पर तुरंत कहां से। और मैच के शुरुआत के पहले हमने क्या कहा था कि दोनों में से जो चमकेगा उस टीम के जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और आधा मिनट बचा है इस पहले हाफ में, लेकिन क्या रोकने की कोई भी गुंजाइश है, बिल्कुल नहीं। ऑल आउट, फिर से रेफरी ने कहा इस पहले हाफ का ये दूसरा ऑल आउट, और नोएडा एजुकेशनल एकेडमी ताबड़तोड़ तरीके से फाइनल की टिकट कटवाते हुए। पहला हाफ तो बहुत शानदार रहा है, बट अब हाफ टाइम के बाद जो दूसरा टाइम शुरू होगा, अभिनव मैट पर होंगे, ये बताता है सुरेन कि आप इकलौते खिलाड़ी टीम को नहीं जिता सकते हैं, पूरी टीम का परफॉर्मेंस करना जरूरी है। 21-2 नोएडा एजुकेशनल एकेडमी की तरफ। पहले पांच मिनट दर्दनाक थे ब्लूम वर्ल्ड स्कूल के लिए, लेकिन कमबैक्स हमने हर बार देखे हैं, हर सीजन में देखे हैं, चाहे वो पीकेएल हो या केबीडी जूनियर्स। 21 पॉइंट्स नोएडा एजुकेशनल एकेडमी ने निकाले, दो बार ऑल आउट किया था, 12 रेड पॉइंट्स, 5 टैकल पॉइंट्स, लेकिन अब यहां पे कहानी पलटेगी। और इसीलिए नोएडा एजुकेशनल एकेडमी इस मुकाबले में शीर्ष पर है। अभिनव वो सेम तरीका बार बार अपना रहे, इस बार जरूर सफल क्या हुए हैं, जरूर दो से तीन डिफेंडरों को टच किया है, मिड लाइन को क्रॉस किया है, संभवतः ये एक सुपर रेड हो सकती है। बहुत अच्छा निर्णय, ये सुपर रेड नहीं है, दो अंक मिल जाएंगे। 5 5 5 6 30 होते हैं और ये अंतर और बढ़ रहा है। क्या शानदार एग्जीक्यूट करते हुए इस बार फिर से कुशाल सुपर रेड आती हुई। चलिए 35-5 1 पॉइंट स्कूल नंबर 5 आउट। दूसरे ऐसे प्लेयर बने अभिनव के अलावा जिन्होंने पॉइंट आज स्कोर किया, और दक्ष अपना सुपर 10 शायद पूरा कर ही लेंगे। ऑलरेडी 9 पॉइंट उन्होंने अर्जित कर लिए थे, और जब कोई प्लेयर बड़े मैचेस में अच्छा करता है तो फिर ये टीम 2+4 पॉइंट्स की लड़ा कर। जीत के महल का दरवाजा शायद यहां पे बंद हो चुका है ब्लूम वर्ल्ड स्कूल के लिए। फिलहाल आइए तारीफों के पुल बांधते हैं नोएडा एजुकेशनल एकेडमी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही डोमिनेंट पूर्ण परफॉर्मेंस नोएडा कदम दिखाई है। 41 पॉइंट्स इकट्ठा किए, मैच ओवर। सूरत हाल देखिए इस दूसरे सेमीफाइनल में, नोएडा एजुकेशनल एकेडमी 41, ब्लूम वर्ल्ड स्कूल सिर्फ 9 पॉइंट्स। चार क्वार्टर फाइनल हुए थे, चारों जो सेमीफाइनल टीम थी बहुत सशक्त थी, बट चार मुकाबलों के पश्चात अब हमें जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल और नोएडा एजुकेशनल स्कूल के बीच में होगा फाइनल। तो जी हाँ, ये है सातवें राउंड का फाइनल, एक टीम दिल्ली से, दूसरी टीम नोएडा से, जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल बनाम नोएडा एजुकेशनल एकेडमी। लेट्स वेलकम द फाइनलिस्ट फॉर टुडे। फर्स्ट अप, गिव इट अप फॉर जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल फ्रॉम दिल्ली।
स्टार्टिंग सेवन पर एक निगाहें डाले तो इनके पास गौरव रावत कप्तान है, अंश अमन, जिशांत आरव की जोड़ी और रोहन होंगे इनके सात प्लेयर्स जो दिखेंगे मैट पर। And now let's hear it for our next finalist, Noida Educational Academy. इनके एक स्टार प्लेयर जो हैं, उन पे आप नजरें बनाएंगे रखेगा। वो हैं दक्ष, लेकिन कुशाल कुमार की कप्तानी में यश भाटी, आयुष्मान, आदेश, हर्षित भारद्वाज और कुशांत। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन है जोसेफ एंड मैरी स्कूल के लिए? अमन मलेतिया बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कुल मिलाकर 9 रेड पॉइंट और 3 टैकल पॉइंट। ऑलराउंडर्स का जमाना है जुरेन। और ये जो ऑलराउंडर्स की बात आपने कही है, इनसे बेहतर कोई ऑलराउंडर क्या आपको मिलेगा भला? 19 रेड पॉइंट्स, 8 टैकल पॉइंट्स, 27 टोटल पॉइंट्स दक्ष के नाम। ये है नेशनल फाइनल क्वालिफायर, सातवें राउंड का फाइनल। जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल आई तो थी रेड करने के लिए, लेकिन पॉइंट आ जाएगी 1 पॉइंट और वो मिलेगा नोएडा एजुकेशनल अकेडमी को। अनब्रेकेबल चेन इस टीम के पास है, पर डिफेंस का प्रतिउत्तर डिफेंस देगा। लेफ्ट कॉर्नर से टाई बाई जोसेफ एंड मैरी स्कूल के लिए पॉइंट सुरेनी। चलिए, एक रेट पॉइंट जो है वो नोएडा एजुकेशनल एकेडमी ने निकाला है कुशल कुमार ने। क्या अब जोसेफ एंड मैरी के लिए अंश वो कारनामा कर पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि ये डिफेंस जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और रिंकू नरवाल भी उसकी सराहना करते हुए। मुझे लगता है रिंकू नरवाल जब इतने ही छोटे होंगे वो भी ऐसे डाइज लगाते होंगे, वैसे अभी भी कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं। ये खेल जो है इसमें युवा खिलाड़ी बहुत हैं। रिंकू नरवाल वैसे काफी सीजन खेल चुके हैं, अलग अलग टीम्स के लिए खेले हैं, तो वो एक्सपीरियंस जरूर है। पहला हाफ जिस तरह से इन्होंने खेला, खासकर डिफेंस में, और इनके पास मल्टीपल ऑलराउंडर्स हैं सुरेन, मुझे लगता है ये सीजन 10 की पुनेरी फल्टन है। हर प्लेयर इनके लिए हर कोई रोल अदा करता है। जोसेफ एंड मैरी स्कूल टीम को रिवाइवल चाहिए। रेडर ने कोशिश पूरी की, मशक्कत पूरी की, अपनी जान झोंक दी, बट रिवाइवल वहां पर आया नहीं। और अब जोसेफ एंड मैरी स्कूल ऑल आउट के बिल्कुल दहलीज पर, खत्म ही होने वाला है। यहाँ ऑल आउट मिल जाएगा नोएडा एजुकेशनल एकेडमी को। 1+2 3 पॉइंट्स, 9 के साथ 3 और जोड़ दीजिए, 12 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं नोएडा एजुकेशनल एकेडमी। जो स्कोर है इसको पूरा करना है, लेकिन वापसी करनी है और मैच जीत के फाइनल में कदम रखना है। आइए सुनते हैं मेंटर्स कॉर्नर में रिंकू नरवाल से। अब तुमने मैच खेलना है बढ़िया जोश से खेलना है, ठीक है, बढ़िया रेड लगानी है, बोनस प्लस 1-2 सुपर रेड मार दो, बढ़िया सी मैच अपना अपने हाथ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, बढ़िया तक पूरे जोश तक खेलो, चलो ठीक है भाई। छोटे सारे जने बहुत बढ़िया कर रहे हो, इसी तरह से अब मेंटेन करना, ठीक है, है? कोई भी पॉइंट लीक नहीं करना है, अच्छी रेड लगानी है और यहाँ कैच लगानी है, ठीक है, कोई ज़्यादा अंदर आए तो उसको लगा दो कैच, ओके, रेड ही अच्छी लगानी, ओके। स्वागत है आपका इस दूसरे हाफ में नेशनल फाइनल क्वालिफायर्स के सातवें राउंड का फाइनल। और जो टीम अच्छा कर रही होती है अर्शद भाई, उसको नसीहत देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो अच्छा चल रहा है उसको अब क्या बेहतर करना। लेकिन नसीहत अच्छी मिली थी जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल को रिंकू नरवाल से, नोएडा एजुकेशनल एकेडमी पॉइंट निकालो और 2-3 सुपर रेड लगाओ, बोनस प्लस 3 पॉइंट्स। क्या वो अमल करेंगे इस नसीहत पे, वो देखना जरूरी है। अगर आप जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल के सपोर्टर हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में देखने को मिली थी। और नोएडा एजुकेशनल एकेडमी टू गुड रही है इस मैच में। 4 मिनट बाकी है इस फाइनल में, क्या कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी? नहीं, यहाँ पे ऑल आउट मिलेगा नोएडा एजुकेशनल एकेडमी को और 19 से मामला सीधा 22 पे पहुंच जाएगा। तो उड़ान तो भरी है नेशनल फाइनल क्वालिफायर राउंड 7 के विजेता बनने के लिए। नोएडा एजुकेशनल एकेडमी पूरी तरह से तैयार है, यहाँ ऑल आउट आ चुका है। अब अंतर 20 अंकों का हो चुका है, सिर्फ 2 पॉइंट मिले जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल को। और 21 वैसे भी भारतीय सभ्यता में एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है, ज्यादा अंदर जाना चाहिए जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल को। तो रिंकू नरवाल भी सोच रहे होंगे ये युवा जोश जो है, जो जूनियर्स हैं उनमें जोश बहुत एक्सेप्शनल लेवल का है। नोएडा एजुकेशनल एकेडमी ने आखिरी कुछ लम्हे इस फाइनल के बचे हैं और नोएडा एजुकेशनल एकेडमी अब आराम से अपना वक्त लेते हुए, क्योंकि अब
डांस की भी तो तैयारी करनी है। विक्ट्री डांस, विक्ट्री डांस, जीत की खुशी, जीत का सेलिब्रेशन। रेडर आउट, वन पॉइंट जोसेफ मैरी स्कूल। ये मुकाबला नोएडा एजुकेशनल एकेडमी अब अपने नाम करने जा रहा है। वन ईच पॉइंट जरूर यहां पर दिया गया है। हमने ये उम्मीद की थी कि एक अच्छा इनकाउंटर देखने को मिलेगा, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन नोएडा एजुकेशनल एकेडमी, इनकी तैयारी इतनी पूरी थी कि जब मैच की बारी आई तो वो प्रेशर जो है इनको झेलना ही नहीं पड़ा। और जब आप स्कूल में थे आपने ये सीखा होगा कि अगर तैयारी पूरी है तो परीक्षा कैसी भी हो आप अच्छा ही करेंगे। और आखिर में कहानी कुछ ऐसी कि 10 मिनट के खेल में 28-8 से पराजित किया है जोसेफ एंड मैरी पब्लिक स्कूल को, विनर्स नोएडा एजुकेशनल एकेडमी है। हेलो एंड वेलकम टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। वी वर ऑन द हंट फॉर 7th नेशनल फाइनलिस्ट एंड हियर दे आर। प्लीज मेक वे फॉर नोएडा एजुकेशनल एकेडमी एंड लेट्स वेलकम देयर सुपरस्टार परफॉर्मर दक्ष। दक्ष प्लीज जॉइन अस। दक्ष, yes, ma'am. पहले तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है नेशनल फाइनलिस्ट बनके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली बारी केबीडी जूनियर खेली थी और पहली बारी हमने ट्रॉफी उठाई है और हम 2 सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दक्ष आपने 24 रेड पॉइंट्स लिए, 10 टैकल पॉइंट्स लिए, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी आपकी। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? हाई फ्लायर पवन सहरावत। हाई फ्लायर पवन सहरावत, और आपने बिल्कुल पवन की तरह परफॉर्म किया है नेशनल फाइनल्स के लिए। दक्ष ऑल द वेरी बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच दक्ष, थैंक यू। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव रिंकू जॉइनिंग अस फ्रॉम दबंग दिल्ली केसी। लेट्स वेलकम दिस स्टेलर लेफ्ट कॉर्नर। रिंकू आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आपने आज केबीडी जूनियर्स का ये कमाल का गेम देखा, कैसा लगा आपको? अपने बचपन के दिन कुछ याद आए? हाँ जी बिल्कुल, बचपन के दिन याद आ गए थे। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है और ये टीम जीती है जी। अच्छा। और इन बच्चों को खेलते हुए देख आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के ये नेशनल फाइनल्स में भी जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं, ये आगे जाके ये तो आने वाला भविष्य है। ये तो आगे जाके नेशनल, क्या बात कर रहे हो आप, ये इंडिया भी खेलेंगे, इन्हीं में से बच्चे आएंगे इंडिया खेलने के लिए। और आगे चल के आपको लगता है इनमें से कोई दबंग दिल्ली के लिए भी खेल सकता है? दबंग दिल्ली के लिए भी खेल सकता है जी, और भी 12-11 टीम हो रहे हैं उनके लिए भी जा सकते हैं। सो पीकेएल का भविष्य सुरक्षित है, हमारे देश के खेल का भविष्य सुरक्षित है। हाँ जी, थैंक यू सो मच रिंकू हमसे बात करने के लिए। टीम आपका इंतजार कर रही है, प्लीज उन्हें ट्रॉफी हैंड ओवर करें। थैंक यू रिंकू। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एंड लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द चैंपियंस फॉर टुडे। ये लो भाई, नोएडा एजुकेशनल एकेडमी जो ये ट्रॉफी डिजर्व करती है। रिंकू नरवाल जो कि ताबड़तोड़ दबंग दिल्ली केसी के डिफेंडर हैं, वो ये ट्रॉफी देते हुए नोएडा एजुकेशनल टीम को शुभकामनाएं हैं। अब होगा विक्ट्री डांस, क्योंकि इस चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है इस टीम ने और आउटप्लेट किया अपने हर एक विरोधी को। तो बहुत बहुत बधाइयों के साथ मिठाइयां अपने स्कूल में बंटवा दीजिए, क्योंकि ये रहे नेशनल फाइनल क्वालिफायर राउंड नंबर 7 की विजेता। अब 8वां हां कम करेंगे, इंतजार पड़ी जल्दी आप सभी के साथ लेकर ना तो ना। तो देखना ना भूले इन धमाकेदार जूनियर्स को एक्शन में। केबीडी जूनियर्स हर संडे शाम 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर।